ठीक है, मैं आई गॉट योर पॉइंट. सुधांशु मित्तल बोलना चाह रहा. हरीश भैया बैठिए, सुधांशु मित्तल जी मेरे साथ है. सुधांशु मित्तल, मैं आप आप एक सेकंड जी. हरीश भाई, आप सेकंड, आप शहजाद पूनावाला की बात नहीं करना चाहते? मैं समझ गया. मेरी बात पूरी होने दीजिए. आप हमारी पार्टी के अंदर इलेक्शन प्रोसेस है, ये इस बात से जाहिर होता है कि सब लोग आकर के खुले में संविधान के अनुसार जो है नॉमिनेशन फाइल. दिल्ली का सीक्रेट बैलेट दिखा दीजिए मुझे. सुधांशु मित्तल वांट्स टू कमेंट. सुधांशु मित्तल, आपकी लोग कांग्रेस पार्टी में चुनाव होते हैं ये साबित होता है हरीश रावत जी के हिसाब से. सुधांशु मित्तल साहब जवाब दे रहे हैं. सुधांशु जी से, रावत जी, सुधांशु जी से बात करने से पहले एक बात पूछ लीजिए, क्या इनकी पार्टी में चुनाव होते हैं? इनकी पार्टी में तो पहले आरएसएस नागपुर में तय करता है कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा. भाजपा तो केवल उस पर मोहर लगाने की बात करती है. आप किस पार्टी से पूछ रहे हैं? हरीश भाई, यू मेड अ पॉइंट. सुधांशु भाई जवाब दीजिए. पार्टी के अंदर चुनाव होता है नहीं होता है करके. मेरी पार्टी के अंदर चुनाव होता है. सोनिया गांधी जी जब अध्यक्ष का चुनाव लड़ी थी उनका. हरीश भाई, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए. सीताराम केसरी जी के खिलाफ सुमित भाई, हमारे राजेश पायलट जी ने अपना नामांकन दाखिल जी पूछे. हरीश जी, मैं बोलूं, आपने बोलिया, मैं बोलूं, बड़े बड़े नामों को चुनौती दी गई. भाजपा में एक नाम बता दीजिए भाई, इनको चुप तो करवा. नहीं, अगर हम भाजपा के चुनावों के बारे में चर्चा करते हरीश रावत जी तो आप जरूर बोलते, लेकिन ठीक है, यू मेड योर पॉइंट. सुधांशु मित्तल को जवाब तो देने दीजिए, क्या भाजपा में चुनाव होते हैं? क्या भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र है? सुधांशु मित्तल, हरीश रावत जी की बातों का जवाब दीजिए. अब सुमित भाई, हम तो पूछेंगे हरीश रावत जी से भी, और हम तो तहसीन जी से भी पूछेंगे कि मनोनीत होना चाहिए या निर्वाचित होना चाहिए. क्योंकि जब मनोनीत होता है तब परिवारवाद और परिक्रमावाद होता है, और जब निर्वाचन होता है तो पौरुष होता है, पराक्रम होता है. तो प्रश्न है, आप क्या चाहते हैं? अब आपकी पार्टी में भी मैं दो बयान सुन रहा था कि प्रधानमंत्री की गुंडागर्दी और रंगा बिल्ला का राज क्या दिखा रहा है. कुंठा और बेबस्ता में संतुलन जब खराब हो जाता है तब आपको मनोनीत नहीं चाहिए. आपको तब तो ऐसी मनोनीत प्रक्रिया चाहिए जिसमें कोई बोलने की हिम्मत ही ना कर सके. अभी हरीश भाई ने कहा कि हमारे यहां संविधान. हरीश भाई, आपकी जानकारी के लिए बतला दूं, 11 व्यक्ति बदले गए हैं. हमारे यहां हर 3 साल के बाद चुनाव होता है और नया व्यक्ति आता है. 11 अभी तक लोग बदले जा चुके हैं. जब से कांग्रेस आई बनी थी 79 में, उसके बाद से आपके यहां कितने लोग आ गए? वो एक बड़ी अच्छी कहावत थी कि डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत. तो तिनके का सहारा क्या मैं है? बताऊं कौन कौन? एक मनोनीत व्यवस्था के अंदर अपने, मैं बोल लूं, आप जब बोले थे मैं बीच में नहीं बोलता. एक मनोनीत व्यवस्था के अंदर आपकी जानकारी तो करने वाले व्यक्तियों को जो है, नरसिम्हा राव भी हमारे अध्यक्ष रहे, सीताराम केसरी भी हमारे अध्यक्ष रहे. पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर आप बोलते रहिएगा. अब आपने, मैं बोल लूं ना, सीताराम केसरी आपका अपवाद है, आपकी व्यवस्था नहीं है. सीताराम केसरी आपका अपवाद है, आपकी व्यवस्था नहीं है. वो भी अपवाद इसलिए था कि उस कार्यकाल के दौरान कोई जो है, अरे बोलने तो दीजिए, उस कार्यकाल के दौरान कोई गांधी परिवार का सक्रियता में नहीं था. बीजेपी का अध्यक्ष बता दीजिए जो बिना जो है आरएसएस की मोहर के बना हो, बिना गांधी परिवार के बना हो, एक अध्यक्ष बता दीजिए. पर ये तो भाई, आप तो सभ्य व्यक्ति हैं हरीश जी, आप तो सभ्य व्यक्ति हैं, मुझे बोलने दीजिए ना. आप तो हमारे दोस्त हैं, आप कैसे असभ्य? बात दोस्ती की नहीं है हरीश भाई, यहाँ पे बात दोस्ती की नहीं, बात मुद्दों की हो रही है. और ये फैक्ट है, लेट मी टेल दिस टू माय व्यूअर्स, ये दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है हरीश रावत जी और तहसीन पूनावाला जी, कि सोनिया गांधी जब से अध्यक्ष बनी है, सुधांशु भाई एक मिनट, हरीश जी एक मिनट, जब से सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी है 1997-8 से, तब से लेके अब तक 19-20 साल का वक्त हो गया, बीजेपी के कितने अध्यक्ष बदल कुशाबाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, के जनक कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अब अमित शाह, 8 या 9 अध्यक्ष बीजेपी के बदले गए, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी. सोनिया जी 19 साल तक सबसे अधिक वक्त तक, और अब राहुल जी उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे.
आपने सबसे पहले तो आप भविष्यवाणी भी करते सुमित भाई, मुझे पता नहीं थी, लेकिन आप करते हो भविष्यवाणी का, राहुल जी उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन लेकिन आपने खुद आपके प्रश्न में जवाब दे दिया कि भाजपा के कितने अध्यक्ष बदले, सोनिया जी कंटिन्यू रही। अगर कांग्रेस पार्टी ने सोनिया जी को कंटिन्यू रखा, वो इसलिए कंटिन्यू रखा क्योंकि जब सोनिया जी अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस 4 स्टेट्स में सीमित हो गई थी, वहां से लेकर 10 साल तक शासन किया देश के अंदर, तो ये परफॉर्मेंस ड्रिवन था। दूसरी चीज, मैंने अपनी बात रखी, सॉरी 14 में क्या हुआ था, ठीक है, मैं अपनी बात, 10 साल के बाद 204 से 44, बिल्कुल, तो ये पनिशमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, ये पनिशमेंट दे रही है पार्टी उनको 3 साल के बाद। समझ पाए आपने, मैं आम आस्किंग यू, मैं इसका जवाब दूंगा, क्रेडिट कैसे दे दिया, मैं आपको जवाब दूंगा, बिल्कुल जवाब दूंगा, आप मेरी बात रखने दीजिए, थैंक यू। दूसरी बात, और मैं 2014 का, दूसरी बात, आप और मैं दोनों जानते हैं कि श्री राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष बने रहना चाहते थे 2014 के बाद, जहां पर कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई और उन्हें मार्चिंग ऑर्डर्स मिल गया मोहन भागवत से कि आप जाइए होम मिनिस्ट्री पे, जहां पे वो एक हवलदार का ट्रांसफर नहीं कर सकते, और अमित शाह जी बन गए अब अध्यक्ष। अब आते सोनिया जी पे, निश्चिंत हार हुई है कांग्रेस की, निश्चिंत कांग्रेस 44 पे आई है, और इसीलिए आज कांग्रेस सोचती है लेकिन मुझे खत्म कर दीजिए, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं, एक सेकंड आपके सवाल का जवाब देने दीजिए। लेकिन जब कांग्रेस की हार हुई है 44 सीट्स पर आई, क्या उसके लिए राहुल गांधी जवाबदार है या मनमोहन सिंह जी की वो सरकार जवाबदार है जिसमें करप्शन के केस हुए? तो राहुल जी, राहुल गांधी तो जवाब जिम्मेदार नहीं थे ना उसमें, क्या राहुल गांधी उस कैबिनेट का हिस्सा थे? क्या राहुल गांधी पर उस वक्त कोई राहुल गांधी तो बहुत स्मार्ट निकले, अभी हरीश भाई ने खुद कहा कि 2012 में उनको कहा गया कि आप आइए प्रधानमंत्री बन जाइए, आइए आप कैबिनेट में आइए, राहुल गांधी जानते थे सीडब्ल्यू जी हो गया है, राहुल गांधी जानते थे तमाम घोटालों में सरकार घिरी हुई है, कौन कालिक में अपना हाथ डालेगा, कौन हाथ में कालिक लगाएगा, राहुल गांधी बाहर बने रहे, तो आप राहुल गांधी बाहर बने रहे, तो आलम क्या हुआ 14 में सबने देख लिया। आप इस चीज को दूसरे नजर से देखिए कि राहुल गांधी सुधार लाना चाहते तो सुधार लाने के बाद एक ही लाइन में कहा राहुल गांधी कौन सा चुनाव जीते 14 से 17 होगा आप सरकार जिसकी मुख्यमंत्री जिसका सरकार उसकी मानी जाती है, हरीश रावत उसमें गड़बड़ हुई थी, उसमें गड़बड़ हुई थी, बीजेपी ने झेला, बीजेपी ने झेला, आज क्या बीजेपी ने झेला, आज ये बीजेपी ईवीएम में भी गड़बड़ कर, महाराष्ट्र में कौन हारा, हरियाणा में कौन हारा, दिल्ली में क्या गलत हुई दो चुनावों में, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, अरुणाचल प्रदेश सब जगह असंवैधानिक तरीके से सरकारें बना रही। इतनी लंबी दलीलें जब दी जाती है मतलब कमजोर दलील है, एक लाइन की दलील, चुनाव सरकार लड़ती है पार्टी, पार्टी वाइस प्रेसिडेंट कौन था पार्टी का 2014 में, और प्रेसिडेंट कौन था, चलो वाइस प्रेसिडेंट की गलती नहीं, प्रेसिडेंट की तो गलती है ना, मान लो, लंबी दलील चाहिए ही नहीं, सुधांशु मित्तल लंबी दलील के कोई जरूरत नहीं, मित्तल बोलना चाह रहे, मैं इनको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कुतर्कों से आप अपना दिल तो बहला लेंगे लेकिन सत्यता को थोड़ी नकार लेंगे। एक मार्केटिंग का उसूल है कि यू कैन नॉट सेल अ बैड प्रोडक्ट, आप रीलॉन्च कर लीजिए, कितनी बार रीलॉन्च कर लेंगे, लेकिन जब तक प्रोडक्ट में ही दम नहीं होगा तो होगा क्या आगे। आप देखिए जिस समय महामंत्री बने तो ये क्या हुआ, अरे भाई नया सवेरा हो गया, नया सवेरा हो गया, मोदी जी फिर जयपुर में उपाध्यक्ष बने, नया सवेरा आ गया, नया हो गया, तमाम सैकड़ों लोग अगर चाहे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना है तो सुधांशु मित्तल को या नरेंद्र मोदी को या शहजाद पूनावाला को क्या दिक्कत होनी चाहिए भाई, बनाए आप किसी को भी, हमें दिक्कत, मैं बता हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें तो दिक्कत तब होती है जब ये कहते हैं कि शाहजहां के बाद अब जो औरंगजेब राज आ गया, हमें दिक्कत होगी भाई, बिल्कुल जरूर होगी। जब ये कहेंगे कि गुंडागर्दी और रंगा बिल्ला राज आ गया तो हमें दिक्कत होगी, हमें दिक्कत होगी कि जब आप जो है इन इन परंपराओं को जो है मानस पे हिंदुस्तान के थोपना चाहेंगे, हमें दिक्कत होगी। हमें जब आप कहेंगे नहीं परिवार राज जो है इस देश की व्यवस्था है, सुधांशु भाई परिवार राज की बातें बीजेपी में भी है, धूमल साहब, अनुराग ठाकुर, गोपीनाथ मुंडे जी, पंकजा मुंडे, प्रमोद महाजन जी की बेटी पूनम महाजन, तमाम एग्जांपल आपकी पार्टी में भी है, आपके सहयोगियों के साथ भी है, बादल ठाकरे सब जगह पे है। रमन जी मुझे सुंदरा राजे, सुमित जी, राजनाथ सिंह, सुमित जी, इनमें से किसके पास नेतृत्व है मुझे एक बताइए ना,
इसमें सर मैंने आपको 11 अध्यक्ष गिनवाए भाजपा के, इनमें से किनके पिता जो थे, मंत्री हैं, एक राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, जितने नाम लिए इनमें से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, कोई अनुराग ठाकुर के पास भाजपा का नेतृत्व है क्या, गोपीर का मुंडे के पास है क्या, पूनम महाजन के पास है क्या, रमन सिंह के लड़के के पास नेतृत्व है, किसके पास नेतृत्व है, नेतृत्व परिवारवाद से नहीं आता, पौरुष से आता है, पराक्रम से आता है, आप क्या परिवार राज से आता है, शहजाद आप शहजाद बोलने जा रहे हैं, शहजाद शहजाद आप बताइए, शहजाद एक बात बता दूं, ये सवाल वो लोग कर रहे हैं, उन्होंने देश की आजादी में जब नेहरू गांधी परिवार के तीन पीढ़ियां एक साथ जेल में बंद थी उस समय कहां गए थे, नहीं नहीं और भी परिवार के बहुत से लोग बंद थे, मत बुलवाइए हरीश सुधांशु मित्तल बोलना चाह रहे हैं, हरीश भाई सुधांशु मित्तल कहां थे, सुधांशु मित्तल प्लीज बोलिए, सुमित जी ये शहजाद बोल रहे हैं, ये शहजाद बोल रहे हैं कूचे को तेरे छोड़कर, क्योंकि औरंगजेबी राज आया ना तो ये कह रहे कूचे को तेरे छोड़कर, अध्यक्ष तो बन जाता मगर जंगल तेरे पर्वत तेरे बस्ती तेरी सेहरा तेरा, तो वो क्या करेंगे बेचारे, मनोनीत जब तक करते रहेंगे तब तक आप सोचे कि कोई शहजाद या कोई शहजादा या कोई और गांधी परिवार का जिसके आगे नाम ना लिखा हो वो कहीं पहुंच सकता है, ये तो देखिए ये तो आप अतिशोक्ति है, और ये जो आप एक 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 मुद्दा एक सवाल और लेना चाहते हैं, शहजाद आपकी कुछ तस्वीरें चल रही है सोशल मीडिया पर, आप अडवाणी जी के साथ हैं, आप एक तस्वीर में अडवाणी जी के साथ खड़े हुए हैं, अडवाणी जी का बर्थडे का दिन है जब नवंबर 1 में आप आशुतोष जी के साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के साथ, ये क्या तस्वीर है, क्या आप कांग्रेस छोड़कर औपचारिक तौर पर कांग्रेस के विरोधी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं जो आपके भाई ने इल्जाम लगाया, ये मेरी तस्वीर रणदीप सुरजेवाला के साथ, ये मेरी तस्वीर सचिन पायलट महाराष्ट्र कांग्रेस के, आपके भाई की शादी में राहुल जी आए थे, ये हम कैसे मान लें कि राहुल जी के साथ संपर्क में नहीं थे आप, शादी को आपने अटेंड किया, आप इन्हीं की शादी थी, मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल, अगर मेरी मुलाकात हुई है उनसे और मेरी बात हुई है तो उसके सबूत ला देना, और इतना होने के बावजूद भी 6 साल वो मुझसे नहीं मिले, और फोटोज तो देखो ऐसे है आपके साथ भी 1000 लोग सेल्फी खींचते हैं और आप भी 1000 लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, पर मेरे मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं पॉलिटिकल एस्पिरेशन का आदमी नहीं हूँ, आपको लेकिन आपको करना है सर, मैं एक बात बोलता हूँ, मैं बीजेपी का एजेंट, मैं सब चीज का एजेंट, मनीशंकर अय्यर तो वफादार है ना, उन्होंने क्या बोला, माँ और बेटा ही अध्यक्ष बन सकते हैं, उनका जवाब लास्ट लाइन फ्रॉम यू, जो मनीशंकर अय्यर ने कहा उसको तोड़ मोड़ कर आप मीडिया में बता रहे हैं, वो कह रहे थे उस टाइम ऐसे होता है यहाँ पर लोकतंत्र चालू है, शहजाद पूनावाला आकर चुनाव लड़े, उन्होंने ये बात मनीशंकर अय्यर की बात कर रहे थे, और मैं और अब मैं सुधांशु मित्तल जी को भी एक बात कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, खासकर तहसीन और शहजाद आपका, आप दोनों के बहुत रिजर्वेशन थे कि साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन आपने मेरी बात मानी और एक साथ